मेरा नाम है अभिलाषा पोखरना, स्वागत है आपका वीस फूड मैजिक में। तो आज की हमारी रेसिपी है एकदम क्रिस्पी टेस्टी फुली फुली आलू प्याज की पूड़ी, बहुत ही यम बनती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। एक जार में आप ले लीजिए ऑनियंस, दो से तीन ऑनियन लिए हैं मैंने, और ये मैं ले रही हूँ पोटैटो, इसे मैंने बॉईल नहीं किया है, कच्चे ले रही हूँ मैं, चॉप करके इसमें डाल दीजिए जार में। हरी मिर्च डाल दीजिए तीन से चार, जिंजर डाल दीजिए, गार्लिक डाल दीजिए इसमें अच्छे खासे, और इसका आपको पेस्ट बनाना है। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी है। अब इस पेस्ट को हम छान लेंगे, तो आप स्ट्रेनर से इसे एक बार छान लीजिए। ये देखिए इसका इतना सा पल्प बचा है, इसे साइड में रख दीजिए। ये देखिए हमने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है, और इसे हमने छान लिया है ताकि हम इसका आटा लगाएं तो इसमें कुछ गांठे ना हो। इसमें हम डाल देंगे नमक, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए थोड़े से, ब्लैक पेपर डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए थोड़ा सा, मिक्स करेंगे इसे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब सूजी, ताकि हमारे जो पूड़ी है बहुत क्रिस्पी बने। अब इसमें आपको डालना है आटा, व्हीट फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ मैं, दो कप के करीब इसमें मैं आटा डाल रही हूँ। मिक्स करिए, आटे की क्वांटिटी कोई हम मेज़र नहीं करेंगे, जितना आपको पेस्ट है उसमें आपको पानी मिक्स नहीं करना है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, मिक्स करेंगे, इसका डो लगा लीजिए। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं इसमें क्रश करके, और तिल डाल रही हूँ वाइट सेसमी तिल, कोरिएंडर डाल दीजिए, कोरिएंडर लीव बारीक कटी हुई, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए डो में। ये देखिए हमारा डो रेडी है, थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर दीजिए। और इसे आप कवर करके रख दीजिए रेस्ट करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए रेस्ट हो गया है 10 से 15 मिनट। अब इसे एक बार मठाड़ लीजिए, और पूरी की साइज़ के जो बॉल बनाते हैं हम वो बना लीजिए। ये देखिए इस साइज़ के, ये देखिए मैंने कुछ बॉल्स बना के रखे हैं। अब मैं पूड़ी को बेल लेती हूँ, थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए ताकि चिपके नहीं, बेल लेंगे इसे, छोटा साइज़ का पूड़ी साइज़ का ही बेलिए इसे। ये देखिए सेम इसी तरह से मैंने पूड़ी निकाल ली है कुछ। अब मैं इसे फ्राई करूँगी डीप फ्राई, पैन में ले लीजिए ऑयल, इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए, और मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करिए, और इस तरह से ऊपर से आप इसे दबाते हुए हल्के हाथों से फुलाइए। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और ये इस तरह से ही फुली रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। एक चम्मच सूजी डालने से ये क्रिस्पी बनती है और फुली रहती है। ये देखिए इस तरह से आप डाल दीजिए, सारी पूरियों को आप तल दीजिए इस तरह से। दोनों साइड से आप इसे अच्छे से तल लीजिए। तो ये देखिए हमारी पूड़ी रेडी है, सर्व करते हैं इसे। ये मैंने दही लिया है, इसमें थोड़े मसाले मिक्स कर दिए हैं। तो चलिए इसे सर्व कर रहे हैं, टेस्ट करते हैं इसे।
बहुत ही टेस्टी स्पाइसी पूड़ी हमारी बनके रेडी है। इसे दही चटनी के साथ आप सर्व करिए। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 12:30 PM आती है, आप इसे ज़रूर देखिए। तो ये देखिए हमारी प्लेटिंग अभी फूड मैजिक स्टाइल, आप इसे ज़रूर देखिए और ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।